Bati? Sí, espérate, espérate, espera. Good night, los dejo. तो आपके मुरीद ब्राह्मण के थे, आपकी खिदमत में थे उन्होंने 40 साल। अब बस्ती में भेजते थे मुसलमान घरों में, जो भी पका देते थे आपको, गोश्त मच्छी अंडा वगैरह लेकर आते थे आप, तो ब्राह्मण लोग पकड़ लिए उनको। एक ब्राह्मण के इतने बड़े गुरु हो के आप एक मुसलमान बुजुर्ग का गोश्त मच्छी अंडा वगैरह लेकर जा रहे, हमारा ईमान ख़राब कर दे रहे, बोल को पकड़ लिए। नहीं भाई मैं खिदमत में हूँ, बोल को नहीं, बोल के एक मरतबा आ गए आप, दूसरी मरतबा फिर भेजे बाबा आज मैं आज के बाद से लाता या नहीं लाता देखना। गए आप उस रोज़ कुछ भी नहीं मिला बस्ती में आपको, अब हुकुम के तामीर गोश्त लाना पड़ेगा बाबा के। बस्ती में जाके गोश्त की दुकान पर गोश्त काट के जंगल में डाले को उतर रहे थे, एक 300-400 का झुंड होकर पकड़ लिए। जब नहीं बोल के गए आप बस्ती में, आप क्या है इसमें बताओ बोले, तो सरकार को मालूम हो गया यहाँ पे रुकमद्दीन तोला को, अरे बोल के रानो जी को पकड़ लिए, बोले रानो जी था नाम उनका, तो यहाँ से रकात आ गए उनका है रानो जी, 3 कदम पीछे हटिए आप, हटकर बोलो इसमें गुलाब के फूल है, बोलो 3 कदम पीछे हटे, सरकार का नाम लिए, बेधजक जंबिल खोलो, बोले सरकार का नाम लेके जो ही जंबिल खोले गोश्त जाके पूरे ढेर सारे गुलाब का फूल। जबकि जब इस्लाम कबूल करे आप, ईमान लाए, हज़रत मुहीद्दीन शाह खाजी लखब दिया गया आपको, खलीफे हैं दादा के, जब बोले कि मेरे मुरीद को इतनी तकलीफ हो गई गोश्त के बारे में, तो गोश्त खाना भी नहीं, खा के आना भी नहीं, लाना भी नहीं, बोल दिए। इस वास्ते यहाँ पे गोश्त मच्छी अंडा वगैरह कुछ भी नहीं चलता। यहाँ हज़रत शाह रुकनुद्दीन तोला दरगाह पे आए सो है, मगर हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के आते, इधर जाते बेदे कास्टिज़म क्या भी नहीं है। यहाँ पर रुकनुद्दीन तोला है, यहाँ पर 40 साल तपस्या को बैठे सो है, बैठे के सर किधर जो भी लोग मन्नत मांगने के लिए आते सबको मन्नत पूरा हो जाती। हम 2010 से आ रहे हैं, 2010 से अब हम आते रहते हैं और कफाइज लेते हैं। अब कभी भी बंदा नमाज का दरगाह का आते हैं, फिर भी यहाँ भी आते हैं, यहाँ यहाँ इनका उनका सिलसिला रहता है, तो हिंदू मुस्लिम के भेदभाव नहीं है, तो इसीलिए तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि भेदभाव छोड़ के खून एक ही एकता से भाई बहन होकर मुस्लिम और हिंदू तमाम लोग एक होकर रहने की तो कोशिश करें। Thank you.